केंद्र सरकार के खिलाफ हमीरपुर में सीटू और वामपंथी दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के सपने को सबज बाग बताकर धरने में सीटू नेताओं ने अपना गुब्बार भी निकाला। इस अवसर पर सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाजार में रोष रैली निकाली और बाद में गांधी चौक पर एकत्रित होकर धरना दिया। धरने में सीटू नेताओं ने जमकर केंद्र सरकार को कोसा और महंगाई बेरोजगारी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। इस अवसर पर सीटू नेता अनिल मनकोटिया, जोगिंदर सिंह के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीटू वरिष्ठ नेता अनिल मनकोटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से भी चार कदम आगे बढ़ते हुए गलत काम किए। उन्होंने कहा कि जनता ने मोदी पर विश्वास किया था, लेकिन अच्छे दिन आने के सपने दिखाना सब विश्वासघात साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आज अच्छे दिन चंद नेताओं और लोगों के लिए ही आए हैं, जिससे जनता अब त्रस्त हो चुकी है। हल्ला बोल पोल खोल अभियान के तहत जन एकता जन अधिकार आंदोलन की रैली आज हमीरपुर के अंदर हो रही है, जिसमें छात्र समुदाय, SFI, नौजवान सभा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, CITU और तमाम जितने भी जो जनवादी प्रगतिशील जन संगठन है उनके सहयोग से आज हम हमीरपुर के अंदर केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसमें मुख्य मांग ये है कि पिछले चार साल से, अभी 25 मई को जो है चार साल मोदी सरकार के पूरे होंगे, और पिछले चार साल का अगर आंकलन किया जाए, जो वायदे मोदी सरकार ने पिछले चार साल पहले सत्ता में आने से पहले किए थे उनके विपरीत जो है मोदी सरकार ने काम किया है, और जो कांग्रेस की नीतियां थी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की भी जनविरोधी नीतियां थी और भाजपा भी जो है उन्हीं नीतियों को लेकर आगे बढ़ी है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में उन्होंने नीति बनाई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों की जो आत्महत्या की जो संख्या है उसका जो परसेंटेज है वो पिछले दो तीन साल में वो और ज़्यादा बढ़ा है, 42% जो बढ़ोतरी उसमें हुई है पिछले एक साल के अंदर। और अगर शिक्षा के बजट की बात की जाए, शिक्षा का बजट लगातार पिछले काफ़ी दो तीन साल से मोदी सरकार कम कर रही है, उस शिक्षा का बजट स्पेशली। और उसके अलावा अगर रोजगार के आंकड़ों की अगर बात की जाए, जो होर्डिंग्स बड़े बड़े मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले लगाए थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो आज अगर रोजगार के अगर वो जो आंकड़े देखे जाएँ तो रोजगार देने में जो है मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। और आज पूरे देश के अंदर ये जो जन एकता जन अधिकार आंदोलन है, पूरे देश के अंदर जो है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं उसके विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक अभियान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस जुमलेबाज सरकार को, इस धोखेबाज सरकार को जो है 2019 के अंदर गाड़ फेंकने का आह्वान जो है जन एकता जन अधिकार आंदोलन की शुरुआत आज पूरे देश के अंदर हुई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये जो जनविरोधी नीतियां मोदी सरकार बना रही है, पूरी तमाम जनता जो है 2019 के अंदर मोदी सरकार को सत्ता से हाथ फेंक कर जो है बाहर करेगी। कांग्रेस की नीतियां क्या थी? कांग्रेस की नीतियां भी यही थी कि जो जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट है, बड़े बड़े जो राजघराने हैं उनके हक में वो नीति बनाते थे, चाहे वो अंबानी है, अदानी है, उनके फेवर में वो नीतियां बनाते थे। मोदी ने चार कदम उससे आगे बढ़कर जो है उनके हक के लिए काम किया है। हालांकि लोगों ने इसलिए सत्ता का परिवर्तन किया था कि उनको उम्मीद थी कि ये हमारे लिए अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन सिर्फ जो है चंद लोगों के, अमित शाह के बेटे के अच्छे दिन आए हैं, और तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके अच्छे दिन आए, आम जनता के अच्छे दिन नहीं आए। और इस मोदी सरकार के राज में आम जनता के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे।